हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फेमस टीवी एक्ट्रेस ईशा मालविया के बारे में। ईशा छोटी सी उम्र में ही टीवी की जानी मानी एक्ट्रेस बन गई। उडारिया शो से पॉपुलर हुई ईशा ने केवल 17 साल की उम्र में ही टीवी डेब्यू कर लिया था और उनका पहला ही शो काफी हिट रहा। लेकिन दोस्तों, इनकी टीवी जर्नी इतनी भी आसान नहीं रही जितना कि लोग सोचते हैं। उडारिया शो से पहले इन्होंने कई जगह ऑडिशन दिए जहां इन्हें केवल सिर्फ रिजेक्शन ही हाथ लगी और इसी बीच लोगों के इन्हें काफी ताने भी सुनने को मिले और इन्हीं तानों की वजह से ही वो इतना मजबूत हो गई कि अब तो उसने सोच लिया था बनूंगी तो सिर्फ एक्ट्रेस ही बनूंगी और कुछ नहीं। और काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद इन्हें उडारिया शो मिला जिसके कारण आज ईशा मालविया एक जाना माना नाम है। और दोस्तों, ईशा के स्ट्रगलिंग डेज में ईशा के साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसके कारण हर लड़की के कदम उसके सपने से पीछे हो जाएंगे। आखिर क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी उस दौरान ईशा मालविया को, यह सारी बातें हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। और दोस्तों, साथ ही बताएंगे ईशा मालविया के लव अफेयर्स और उनके बॉयफ्रेंड के बारे में सारी बातें। तो दोस्तों, वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, ईशा का जन्म 2 नवंबर 2003 को होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ। ईशा के अलावा उनकी फैमिली में उनके मम्मी पापा है। ईशा के पापा का नाम आशीष मालविया है जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं और ईशा की मम्मी का नाम ममता मालविया है जो कि एक हाउसवाइफ है। ईशा की एक्ट्रेस बनने की कहानी उनकी माँ से शुरू होती है क्योंकि ईशा की माँ अपनी यंगर एज में एक्ट्रेस बनने का सपना देखती थी, लेकिन ये सपना उनका सपना ही रह गया और उनकी शादी कर दी गई। इसके बाद ईशा की माँ ने तय कर लिया था कि उनकी जो भी औलाद होगी वो उसे एक्टिंग फील्ड में ही उतारेगी। दोस्तों, ईशा ने अपनी स्कूली पढ़ाई के दौरान ही काफी अच्छा डांस सीख लिया था और पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने डांसिंग रियलिटी शो डांस के दीवाने में अपना ऑडिशन भी दिया, लेकिन उसमें ईशा का सिलेक्शन नहीं हो पाया। दोस्तों, ईशा जिस सोसाइटी में रहा करती थी वहां के लोग उन्हें काफी बुरा भला भी बोलते थे। कोई कहता था कि एक्टिंग तुम्हारे बस की बात नहीं है और कोई कहता था कि पढ़ाई छोड़कर ना जाने ये लड़की क्या उल्टी सीधे काम करने लगी, लेकिन ईशा को सब पता था कि वो क्या कर रही है। लेकिन ये सब सुनने के बाद वो डिमोटिवेट भी नहीं होती थी, बल्कि उसके अंदर तो एक मोटिवेशन आ जाता था। वो सोचती थी कि इन लोग मेरा फ्यूचर डिसाइड कैसे कर सकते हैं, इन्हें कैसे पता कि मैं उल्टे काम कर रही हूँ, अब तो मुझे कुछ बनकर ही दिखाना पड़ेगा। और वो अब और भी ज्यादा दुगनी मेहनत करने लगी और अब उसने ठान लिया था कि चाहे कितनी ही मेहनत करनी पड़े एक्ट्रेस तो वो बन के रहेगी। और फिर काफी ज्यादा ऑडिशन देने के बाद उन्हें अपना डेब्यू सीरियल उडारिया मिला। ईशा को शो में जैस्मिन का रोल प्ले किया था। इस रोल में ईशा के एक्सप्रेशन काफी लाजवाब थे क्योंकि हर एक कैरेक्टर में वो अपने आप को बहुत अच्छे से डाल लेती थी। उडारिया सीरियल में उनकी एक्टिंग लोगों द्वारा काफी पसंद की गई और इसलिए आज उनकी फैन फॉलोइंग काफी अच्छी है। ईशा ने उडारिया शो में जैस्मिन और हरलीन का कैरेक्टर प्ले किया है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं ईशा मालविया के लव अफेयर्स के बारे में कि आखिर उनका बॉयफ्रेंड कौन है। दोस्तों, उडारिया शो में ही एक एक्टर है अभिषेक कुमार जिससे ईशा शो के टाइम भी काफी क्लोज रही थी और ये कहना गलत नहीं होगा कि ये दोनों आपस में डेट कर रहे हैं। दोस्तों, शूटिंग के दौरान तक तो सही था, लेकिन शो के अलावा भी इन दोनों को साथ ही देखा गया है। इन्होंने साथ में ही काफी रील बनाई और दोस्तों, इन्होंने अभी अपने ईशा अभिषेक के नाम को कंबाइन करके अभिषेक नाम से एक अपना यूट्यूब चैनल भी ओपन कर रखा है जिसमें वो व्लॉग्स अपलोड करते थे। लेकिन दोस्तों, उडारिया शो के बाद ये दोनों एक दूसरे से पर्सनली भी दूर हो गए। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सच में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे या नहीं, हमें कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं ईशा मालविया के नेटवर्थ के बारे में कि वो एक एपिसोड का कितना चार्ज करती है। दोस्तों, अभी उनकी नेटवर्थ 5 करोड़ रुपए है और वो अपने एक एपिसोड का 40 से 50 हजार रुपए चार्ज करती है। तो दोस्तों, ऐसे बन गई ईशा मालविया अपनी मेहनत के दम पर इतनी बड़ी मॉडल और टीवी एक्ट्रेस। दोस्तों, अगर आपको ईशा की एक्टिंग अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आगे भी मिलती रहेंगी। मिलते हैं दोस्तों ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।